महामहिम राष्ट्रपति के बड़े भाई ने रेडक्रॉस भवन पहुंचकर लगवाया कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज। जिले में अब तक 17,50,000 लगे टीके के डोज। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए सातों दिन टीकाकरण महाअभियान चल रहा है। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के साथ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। इसमें 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूलों में कोवैक्सीन का पहला डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। विकास जैन ने बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज को 273 दिन संपूर्ण हो गए हैं, वो अपना बूस्टर डोज अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर लगवा सकते हैं। जिनको टीके का पहला और दूसरा डोज कोवैक्सीन लगी हो, उन्हें कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लगेगा और जिसे पहला और दूसरा कोविशील्ड लगा है तो उसे बूस्टर डोज कोविशील्ड का ही लगाया जाएगा। जिले में लगभग 51,000 पात्र बच्चों को टीकाकरण होना है, जिनमें से 48,000 बच्चों ने टीका लगवा लिया है। शेष बच्चों का टीकाकरण 20 जनवरी तक लगाया जाना है। जिले में 17,50,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 9,06,000 लोगों को प्रथम डोज का टीकाकरण किया गया तो वहीं 8,44,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीके का डोज लगाया गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बड़े भाई रामस्वरूप भारती ने रेडक्रॉस भवन पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया और नागरिकों को संदेश दिया कि सभी को महामारी को रोकने के लिए कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। मैं बूस्टर डोज लगवाया और सभी बुजुर्गों को लगवाना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है और आजकल ये फैली भी ज्यादा रहा और साथ में ये भी कहूँगा कि नखराली के डायरेक्शन में लगवाना। कोरोना का टीका बूस्टर डोज भी लगाना चालू हो गए हैं। सोमवार से बूस्टर डोज का शुभारंभ हुआ है। जिनको फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। शुभारंभ में 872 लोगों का पहला दिन टीकाकरण किया गया। आज मंगलवार को भी जिले में सभी केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। मानस भवन में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण आज लगभग 80 लोगों से अधिक का हो चुका है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। हमारे जिले में आज दिनांक तक 17,50,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, जिसमें 9,04,692 लोगों का पहला डोज का टीका लगाया गया तो वहीं 8,43,461 लोगों ने अपना दूसरा डोज भी कंप्लीट कर लिया है। सभी लोग जिम्मेदारी का परिचय दें और कोविड टीका अवश्य लगवाएं।